अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नईम, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब ने शॉर्ट्स की परमिशन दी थी सब यूट्यूबर्स को, तो उसकी एक नई अपडेट आई है। मैंने तकरीबन एक माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि यूट्यूब ने क्या किया है, आपको बिना बताए ये अलाउ कर दिया है तमाम क्रिएटर्स को कि वो आपकी वीडियो में से शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मैंने ये बताया था कि YouTube ने ऐसी कोई सेटिंग नहीं बनाई जिससे आप क्या कर सकें कि आप अपनी मल्टीपल वीडियोस पे एक साथ ही ये ऑप्शन जो है उसको अनचेक कर सकें, ताकि कोई भी आपकी वीडियोस में से शॉर्ट्स ना बना सके। तो ये भी रिसेंटली अपडेट आई है YouTube की तरफ से, और YouTube ने ये एक फीचर ऐड कर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं कि तमाम अपनी वीडियोस पे ये ऑप्शन लगा सकते हैं, और आप मल्टीपल वीडियोस पे एक साथ सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं कि कोई भी आपकी YouTube वीडियोस में से शॉर्ट्स ना बना सके। और दूसरे लफ्जों में इसको बोलते हैं कि आपकी वीडियोस को सैंपल ना कर सके अपनी वीडियोस के लिए। तो चलिए सीखते हैं कि आपने अपनी वीडियोस पे क्या सेटिंग करनी है जिसकी वजह से कोई भी आपकी वीडियो में से शॉर्ट नहीं बना सकता। आपने सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है, मेरे सामने ओपन है। इसके बाद आपने क्या करना है, जाना है ये मैनेज वीडियोस पे। ये तो इस तरह यूट्यूब स्टूडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपकी तमाम की तमाम वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास जो एक सिंगल पेज है उसमें 30 वीडियोज आ रही होती हैं, और ये लास्ट में देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आप यहाँ से 50 वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है कि ये एक एक सिंगल सिंगल वीडियो को हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल का, आपने क्या करना है सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो अब ये 50 वीडियो सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने एडिट पर जाना है, और इसके बाद हमारे पास देखें कि अगर हम इसको नीचे से ऊपर देखें तो थर्ड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट सैम्पलिंग का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ये यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है अलाउ सैम्पलिंग, आपने क्या करना है यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है और डोंट अलाउ सैम्पलिंग पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने अपडेट वीडियोस पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपने इस चेकबॉक्स को चेक करना है और आपने अपडेट वीडियोस पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ ही देर में आपकी वीडियोज जो है ये अपडेट हो जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैसेज आया था कि आपकी 47 वीडियोज जो है वो अपडेट हो चुकी हैं आउट ऑफ 50, क्योंकि मैंने 3 पे ऑलरेडी ये सेटिंग की हुई थी इसलिए वो ऑप्शन नहीं आया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना सेकंड पेज यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और बाकी जो मेरे पास वीडियोस रह गई हैं उन पे भी मैं ऐसे ही सेलेक्ट करके, अब मेरे पास यहाँ पे वीडियोस रह गई मेरे पास 51 से लेकर 76, यानी मेरे पास 26 वीडियोस हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और एडिट पे जाके मैंने क्या करना है ये शॉर्ट सैम्पलिंग पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से मैंने अगेन डोंट अलाउ सैम्पलिंग और यहाँ से अपडेट वीडियोस पे क्लिक कर देना है। इस बॉक्स को चेक करना है और आपने अपडेट वीडियोस पे क्लिक कर देना है। तो ये भी सक्सेसफुली जो है वीडियोस थोड़ी ही देर में अपडेट हो जाएंगी। जी तो ये थी YouTube की शॉर्ट्स परमिशन के बारे में न्यू अपडेट। तो आपने अपनी वीडियोस पे ऐसे सेटिंग कर लेनी है, और अगर आप ये सेटिंग्स कर लेंगे तो कोई भी आपकी वीडियोस में से शॉर्ट्स क्रिएट नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।